ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा। ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा। मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा। मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा। मैनू जग सारा है जानदा। ओ मेरा नया दुनिया मान दी। मेरा जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पंजाबी शौक। दोस्तों खुशामदीद कहने हैं तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक च। ते दोस्तों अज असी हाजिर होए हैं फैसलाबाद का एक एरिया हैगा सरगोधा रोड से, इक्शक रामदो वाली मोटरवे तो बिल्कुल थोड़ा जहा अगली साइड से हैगा। कह लो कि फैसलाबाद की हदूद निकलदियां निकलदियां ही एरिया आता हैगा। ये अज तुहानू राहिल भाई नाल मिलवाने वाले हैं, अपने सबसक्राइबर भी ने, ते कह लो कि बड़ी देर का फॉलो कर रहे हैं पंजाबी शौक नूं, ते राहिल भाई शौक भी कर रहे। इन्होंने अपने घर की हद तक एक फीमेल रखी है, अमेरिकन अलसेशन, जड़े असल अलसेशन होंगे ने जिन्होंने लोग जर्मन शेफर्ड भी बोल देंगे, लोग बेलजियम शेफर्ड भी बोल देंगे, वो तुम अभी वीडियो जहाँ चैक करवाने लगे हैं। तो बहुत ही अच्छा शौक कर रहे हैं, कह लो कि बहुत ही जनून की हद तक इन्हों शौक आ पेट के हवाले नाल। तो इन्होंने काफ़ी देर पहले मेरा राबता किया और फीमेल मेरे को लैके भी आए थे। इन्होंने मेरे को एक मेल से उन्होंने को मेट भी करवाई थी, बदकिस्मती नाल इन्हें बच्चे नहीं दिते। तो बाकी इंशाल्लाह दोबारा कितने फिर दोबारा हीट से आएगी अच्छे मेल को रही भाई फीमेल क्रॉस करा के देवे। तो दोस्तों बड़ी ही प्यारी उन्होंने फीमेल और बड़ी वैल ट्रेंड उन्होंने की हुई है। वीडियो तुम अगर फीमेल चैक करवावगा तो फिर तुम राहिल भाई ना मिलवाने हैं। इनकी एज कितनी हो गई है, किस ब्रीड तो आया, इन्होंने घर की ब्रीड आ या खरीदी है, वो सारी डिटेल तुम राहिल भाई को लेके देवे। तो दोस्तों पंजाबी शौक से नए हो तो सबसक्राइब करो, वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। तो बड़ा ही अच्छा इनवायरमेंट हैगा, अज मौसम भी बड़ा अच्छा हैगा, तो खुले ग्राउंड वीडियो शूट कर रहे हैं। तो जो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके सानू दस्सियो। दोस्तों हुण तुहानू पहले वीडियो फीमेल चैक करवाने हैं, तो शेक हैंड भी कर दी, हाथ भी मिलाती हैगी, वो भी राहिल भाई कहेंगे सानू करके दिखाण। तो नैक्सट पे तुहानू राहिल भाई नाल मिलवाने हैं फिर। वेरी गुड, शेक हैंड कर लो, शेक हैंड कर लो। दोस्तों चेक करो, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी एक्टिव फीमेल। जी ते दोस्तों चेक करो राहिल भाई दी फीमेल ते वीडियो चके तुहानू फिर राहिल भाई नाल मिलवाने हैं, ठीक है। उन्हां को पुछदे हैं दी नसल ते एज किन्नी उम्र हो गई है फीमेल दी, बड़ी प्यारी फीमेल आ। तो बिल्कुल लुक तो इस तरह ही है जिस तरह के एक मेल होंगे ना, सेम मेल वाली लुक हैगी इनकी फीमेल की, बहुत प्यारी फीमेल है और एक्टिव फीमेल हैगी है। दोस्तों देखो टेल हैड यह चीज़ हैगी है, मगर ये जर्मन शेफर्ड नहीं है, तुम इन ये ना समझो कि जर्मन शेफर्ड हैगी है। तो राहिल भाई ने इन लीश भी बड़ी इंपोर्टेंट लीश पाई है, बड़े शौक के नाल देखो ना जरा, वो खिंचती है तो वापस आ जाती है, बटन दबाया है। देखो दोस्तों जरा राहिल भाई चेक करवाया जरा, ए देखो जरा दोस्तों तुहानू लीश भी चेक करवा दीए कि यह देखो चीज़ जरा, इन्होंने खोली वापस चली गई, हुण कुत्ती ने खोलना जिथे तक जाना कुत्ती अगे जा सकती हैगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के अगर तुम राहिल भाई ना मिलवाने हैं, बाकी डिटेल जी फीमेल की तुम उन्होंने को पुछते हैं कि किन्नी उम्र हो गई है, किन्नी एज है फीमेल की, ठीक है। तो राहिल भाई सानू साडे दसणगे। तो दोस्तों वीडियो एंड तक वेखियो, पंजाबी शौक ते नए हो तो सबसक्राइब करो, वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। वेरी ब्यूटीफुल फीमेल, एक्टिव फीमेल दोस्तों। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राहिल भाई, कैसी सेहतां तबीयतां ने? अल्लाह दा शुक्र है, तुसीं सुनाओ अरसलान भाई की हाल है, ठीक हो? जी अलहमदुलिल्लाह। राहिल भाई खुशी है तुहाडे नाल अज अपनी दूसरी के तीसरी दफा मुलाकात हो रही है। मेरा तीसरी दफा हो रही है, दो दफा तुहाडे उत्थे घर मिले आ, तीसरी दफा अज तुसीं मेरे कोल आए। असीं तुहाडे कोल हाजिर होए हां। ते राहिल भाई दोस्तां ने जिहड़ी तुहाडी वीडियो दे विच फीमेल वेखी है मैक्सी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी ते वैल ट्रेनड तुहाडी फीमेल हैगी है, तो थोड़ी जी इनकी हिस्टरी दसो साडे देखण वाले दोस्तों नूं कि लोग इन्हां नूं यानी माड़े बंदे दा जर्मन शेफर्ड भी है मगर तुहानूं इहदी ब्रीड दा पता। तो दसो सानूं इहदे मुतलक जरा कि तुहाडा की कमेंट ने इस नसल दे मुतलक, ते की इहदा नाम हैगा? इहदा नाम हैगा मैक्सी। इह तकरीबन 27 तों 28 दिन दी सी, तारक मुरुक बुलाओ वालिआं दे नाल कोई एक्सरेआं दा कम करदे आ, बिल्कुल उहनां दे नाल हैगे आ, उह मेरे कज़न दे दोस्त हैगे आ। ते ओह जा उन्होंने मैनू बलवाल तो मंगवा के दिती सी, 27 तो 28 दिन दी सी, सितंबर अक्तूबर दे विच। अच्छा। तकरीबन हुण कुत्ती दे दो तो उत्ते टप गई है ना, दो साल कुछ महीने दी एज हैगी है। यानी ए तुसी एज ए तुहानू गिफ्ट मिली है, तुसी परचेज नहीं कीती? गिफ्ट गिफ्ट मिली सी, ओ मेरे भाई दे दोस्त गए ते उन्होंने मैनू मंगवा के दिती सी, हालांकि उन्होंने कहा सी जर्मन शेफर्ड मंगवा के देवांगे। अच्छा। लेकिन जदों फिर मैं लैण गया तो ए सी, मैं कहा चलो जिहड़ी है आ उही सही आ रखीए, ते लेकिन मैनू बड़ी मददगार लगी है ना चीज़।
यानी ये शौक दे लिहाज दे नाल असी देखिया तुसी घर दे विच रखी है, माशाल्लाह इहदी सेहत भी बड़ी परफेक्ट आ। ते ब्रीड करवाण वास्ते तुसी मेरे कोल आए सीगे, हालांकि मतलब तुसी अपना प्रोफेशन दे काम ते नहीं करदे, सिर्फ शौक दी हद तक हैगा। ते नस्ल दे लिहाज दे नाल, सिक्योरिटी या किसी आए गए दे लिहाज दे नाल, तुसी वर्किंग दे हिसाब नाल इहदे जिहड़े मतलब कुत्ते रखवाली वास्ते पुराने हुंदे सीगे, इहदे मतलब तुसी की कहिंदे हो, किस तरह दी सिक्योरिटी वगैरह करदी? सिक्योरिटी के लिहाज ना तो इस तरह है कि अगर कोई बंदा साढ़े घर के सामने सड़क के आगे भी खड़ा हो जाता ना, हजे उन्हें गेट नॉक नहीं भी किया तो सानू दस दिंदी है कि जी कि बाहर कोई बंदा आ गया ना, क्योंकि ये साढ़े को हूँ तो मतलब इकली हैगी है ना। अज तो पहले असं जो भी रखे है ना, दो तीन एवरेज साढ़े को कुत्ते होंगे सी, वो सारे ही मर गए। ये हूँ उस तो बाद इकली है। मैं तेरे को खेल रही तड़े लाल ब्रीड करवाई सी, आ छे देखो घंट ना, करो छे छे घंट मैक्स छे घंट करो, उधर कैमरे करके चलो करो छे थोड़ा घंट करो, चलो उधर उधर करके मुँह ना, चलो उस तरह बैठो, चलो उधर उधर उधर, चलो दोस्तों ने वीडियो जो देख भी ली है पहले हाँ कि अपना किस तरह 6 घंट कर रहे छे हैं। घंट। मसलन मैं कोई भी बंदा आ गया ना इन्हें मसलन उन्होंने कहना ना, तो उन्हें 6 घंट करना शुरू कर देना है। उन्हें यह नहीं कहना कि जी अनोन बंदा आ तो मैं नहीं 6 घंट करना ना। घर है हूँ तो साढ़े को कली आ, क्योंकि जो तेरे को गए सके मेड करवाने सानू कहा कि चलो जोड़ा बन जाऊगा, क्योंकि घर साढ़ा बच्चे दे देगी है कि हाँ जी बच्चे दे देगी। चलो एक असी रख लेंगे, एक डॉक्टर साहब रख लेंगे, कि घर साढ़ा व्डा आ, तो एक साइड से स्कूल आ, एक सामने खेत हैगे आ रखवाली के लिहाज ना, लेकिन वो हूँ नहीं बच्चे दते। चलो हूँ अगली बारी देखेंगे की होंगे। जी जी कोई मुश्किल नहीं हैगी, इंशाल्लाह अगली दफ़ा रेल भाई इस तो भी अच्छा जरा मेल हैगा वाल अपने को सीगा, वैसे कुत्ता तुम दस्या मैं मर गया हाँ जी तो जी बहरहाल उन्होंने भी अच्छा मेल जो है क्रॉस करावे। चलो तेरे को घर की ब्रीड होएगी तुम्हें पता भी होएगा, तो मैं जिस तरह तुम देखी फीमेल, तो मैं तुम्हें एक दफ़ा फिर दसदा जावा कि ये अलसैशन तुम इन कह सकते हैं फीमेल में, बेलजियम शेफर्ड भी कह लो, यानी कि क्रासा के बने ने लगते थानू, मगर पहले जो अलसैशन हुए थे इस तरह के होंगे ने। आखिर इन जर्मन शेफर्ड का क्रॉस कराया जाए वो भी बच्चे बड़े अच्छे आते हैं, तो रेल भाई ताड़ी की राय है अगर तुम इन जर्मन शेफर्ड या फिर ब्लैक बेलजियम शेफर्ड क्रॉस करवाने के हवाले ना की जेन है कि तुम की देखते हो कि ब्रीड तुम क्रॉस कराओगे तो रिजल्ट अगर तुम अच्छा नजर आता? मैं कहना है कि मैं तो ब्लैक जड़ा है ना, कोई भी ब्लैक डा हो, जर्मन शेफर्ड हो जाए, बेलजियम हो जाए, क्योंकि मैंने शौक हैगा है ब्लैक कुत्ता रखने का। प्योर ब्लैक होवे ना, उसके कोई भी डाट शाट नहीं होना चाहिए। अच्छा हूँ ये कुत्ता मैं देख रहा है जो अमेरिका का नवा सदर बनया है जो बाइडन, वो अच्छा मैं हूँ ट्विटर से उदन तस्वीर देख रहा सी, को सेम इसे कलर का कुत्ता है ना, यही कलर आ। उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा आ, मैं पहले थोड़ा डिम जहा रहा हूँ सी, मैं कहा यार पता नहीं को आम जी कुत्ती रखी है, लेकिन जिदन का बाइडन को देखा कि यार वो को भी ये नाल ही आ, तो हूँ तो उदन का सीना ही चौड़ा आ गया कि यार मैं बिल्कुल खुश हो गया कि यार वो नाल का कुत्ता सी भी रखा बाइडन के नाल का, तुम क्या कह सकते हैं कि जी साढ़े को असल है जी अमेरिका ने सदर को हाँ जो बाइडन ने रखी है बिल्कुल इसे तरह ही है। नहीं देखो रेल भाई शौक किसी भी ब्रीड का करो तो उन्होंने अच्छे तरीके नाल अपना उन्हों पालो, अच्छी नस्ल होंगी अगे वधाओ कोई भी ब्रीड हैगी है। दरअसल असी लोग जड़े है ना, मैं तो चीज़ हम ऑब्जर्व की हैगी कि असी लोग शौक करते हैं सिर्फ दिखावे की हद तक, बिल्कुल इसे ठीक तरह है कि लो जी हम रेल साहब होने को पूरे पिंड इन्होंने जर्मन शेफर्ड रखे है जी, वो बंदे का एक बड़ा नाम होंगे, बंदा उस नाम कैच करने वास्ते अच्छा लोग शौक करते हैं। बिल्कुल इसे तरह हालांकि नस्ल कोई भी रेल भाई रखो उन्होंने अच्छे तरीके ना, जिस तरह तुम घर से रखी हुई है बड़े उन्होंने वैल ट्रेन किया हो, मतलब कमांड समझती है, उन्होंने पता हुआ कि किनू मैं तो किनू पैना जो मना कर दिता, यही चीज़ा आदि यही जानवर न एक प्यार हों, बिल्कुल इसे तो तरह ही यही प्यार तुहाडा दिखाने वास्ते असीं अज हाजिर होए हैं इत्थे तुहाडे कोल। दोस्तों ने तुहाडी जिहड़ी हैगी है फीमेल वेखी हैगी, असीं तुहानूं अलसैशन कह सकते हैं कि अमेरिकन अलसैशन कह लो, बड़ी अच्छी कोट के विच भी हैगी फीमेल। तो हुण अगे तुहाडा की प्लैन हैगा, मतलब तुसीं इहनूं तों ब्रीड करवाउण दे हवाले दे नाल, ते दूसरा जिहड़ा हैगा वा कि होर तुसीं कोई जानवर इहदे नाल ऐड करना चाहुंदे हो कि इहदे बच्चे रखणे तुसीं? अगर मेरा इरादा तो हैगा कि यदा बच्चा रख लवा, अगर नहीं होया तो हूँ मैं का एक तो मैं तुम दस्या कि मैंने बेलजियम आयलन का शौक आ, बेल्जियन मैलिनॉइस दा मैरीनॉइस का एक अच्छा तो वह शौक आ, जां फिर वाइट जर्मन शेफर्ड हो जाए, इन्होंने दोनों के विचों एक बच्चा तो लाजमी रखना है। हूँ रखिए साल में रखिए, यानी तो लेकिन अगला मिशन है मिशन है मेरा ना, वो जो मिशन मेरा हों पूरा करना हों जिदा भी हो ना, लेकिन उन्होंने पूरा जनून की हद तक आ कि करीदा आ इंशाल्लाह करना भी चाहिए, वो करना ही करना है ना। हालांकि घरों मसल घर दे मेरे मतलब शुरू तो हूँ असं जो होश संभाली है ना, शुरू तो बच्चे मसल कुत्ते रखते आणदे आ, वो साढ़े फिर घरद्या की बड़ी अटैचमेंट हो जाती है ना, कि असं एक बच्चे की तरह कुत्तिया पालीदा है, कि जिदा तुम बच्चे ना करते उदा अच्छी ही गल असी है गए ना, नजर भी आता हाँ, कि हर हाँ चीज जी वो खुराक का। हूँ इनू रात को अगर दुध कई बार रोटी ना पाओ तो कहें उदा सुकी रोटी पा दो, कहें जी नहीं सालन वाली नहीं दुध वाली लैके आओ, तो फिर उस खावांगे हाँ फिर दोबारा फिर दूसरी दफा तो रोटी पानी पैंती है ना।
सही 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 साडे घर दे दी अटैचमेंट ते ए हिसाब आ कि तुसी हुण साडे घर जाके दे सकदे हो। दो तो तीन वारा कुत्ते जिहड़े आ ना उन्होंने डेली आना आ, मतलब सुबह भी आना शाम भी आना। मेरे वालदा जिहड़े आ ना कुछ 6-7 रोटियां ते जिहड़ियां ना वारा कुत्तियां नूं डेली पाउंदे आ। चलो माशाल्लाह अटैचमेंट आ उन्हां दी कुत्तियां दे नाल। अच्छी गल है जी दोस्तों, अच्छी गल है। देखो वह भी अपना रिस्क उन्होंने अल्लाह ताला ने लिखा वा, जिस घर चो लिखा उन्होंने खा के जाना। बिल्कुल इसी तरह। तो बाकी दोस्तों शौक पूरे करो, जिंदगी तो एक दिन खुद ही पूरी हो जाएगी, ठीक है? शौक पूरे करने चाहिए है। तो रहील भाई वीडियो के इख्तिताम चाहिए दसो कि तुम बेलजियन मैरिनोज की वीडियो जी यूट्यूब पर वेखी, तुम कि चैनल सब तो पहले देखी? बेलजियम आइलैंड मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਨ ਮੈਰੀਨੋਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ 0 ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी फीमेल है, और रहील भाई बड़ा अच्छा लगा तेरे नाल। ते दोस्तों मजीद नेक्स्ट वीडियोस आनगी है, रहील भाई दे दोस्त ने कोई गुलटेर बुली वगैरह का शौक कर दे, इस तरह है जी? इसे तरह तेनु जर्मन शेफर्ड भी दिखाने हैं, कुकड़ भी दिखाने हैं, बुली कुत्ते भी होंगे इंशाल्लाह। मुर्गियों का शौक दे अपने लालपुर टीवी से होना है जे, अपने शहजादे पंजाबी जिहड़ा हैगा वह भी चैनल होगा लालपुर टीवी के नाम तो। तो जिस तरह कि रहील भाई शायद मैं तुम्हें दस्या से एक नया चैनल स्टार्ट किया है सिर्फ घोड़ियां का, असील मुर्गियों के हवाले नाल। आप हम मुर्गे जिहड़े पंजाबी शौक तो नहीं पाने, पंजाबी शौक तो सिर्फ आएगा कुत्तियां के हवाले नाल शौक, और आल ब्रीड का आएगा। अच्छा, ठीक है रहील भाई? ठीक हो गया। कि मतलब किसी दोस्त को डिस्टर्बेंस ना आवे, क्योंकि बाज़ दफा बेचो मिक्स हो जाता वीडियो तो फिर वो एक रिदम एक मजा खराब हो जाता। प्रॉपर एक अपना लालपुर टीवी से इंशाल्लाह वीडियो आनगी है, लिंक तुम्हें जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुर्गियां दियां ते घोड़ियां दे हवाले नाल। ते बाकी देखांगे जे रहील भाई दे किसे दोस्त को घोड़ा सानू मिलिया तो इंशाल्लाह उहदी वीडियो भी बनावांगे अज्ज इंशाल्लाह। मेरे है ते सही है, एक दो अगर अवेलेबल हुंदे आ ते ओह डॉक्टर साहब तुहानू उहनां नाल भी मिलवाने आ फिर। जी ठीक हो गया रहील भाई। तो रहील भाई वीडियो के अख्ताम के पंजाबी शौक के मुतलक तुम कुछ कहना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो नए शकीन दोस्तों देखने वालों को, तो साढ़े को अच्छ मौका जी असं को हाजिर होए हैं और पैगाम देना चाहते हो, तो जो ते दिल च गल हैगी कहना कि पंजाबी शौक तो यह है कि जाके अगर तुम कोई जानवर वगैरह लेना भी है डॉक्टर साहब ना तुम राबता करके डॉक्टर साहब तुम वो डिलीवरी भी देंगे तो एक जेनुअन चीज़ देंगे। हूँ मैं डॉक्टर साहब को गया से जो अपना मेट करवा गया हाँ, तो हालांकि बंदे होंगे जी अनोन बंदा है जी पैसे लेने हैं तो अपना जी फिर मेड करवा के देना है। मैं डॉक्टर साहब ने कहा जी डॉक्टर साहब को पैसे पुसे कोई नहीं देने, बच्चा देना है अगर तुसी करना है तो कर लो। डॉक्टर साहब ने कहा चलो रहील भाई तुहाडे मुंह नूं हैगा कि चलो जी दे दोगे तां ठीक है, ना दे दोगे तां ना दे ही कहते हुंदा अगे भी इदां ही आ। मैं डॉक्टर साहब नूं फिर अपना पता भी दस के आया सीगा कि डॉक्टर साहब अपना ना देख लिया आ मेरा पिंड हैगा आ मेरा नंबर आ, किसी बंदे ने भी तुसी मेरा पुछ सकदे आ जी कि अपना वो किदां दे बंदे हैगे आ ना, कोई केड़े वाले बंदे नहीं हैगे। अगला बंदा शक करता कि पता नहीं अरसलान भाई भी चौक डंडी मार गए या इन्होंने बच्चा ले लिया, सो इदां दे अगले ज़हन च ख्याल आंदे, इस करके गल जिहड़ी क्लीयर कर लैणी पहले। हुण अपना मेल सीगा कोई मुश्किल नहीं हुई, कुत्ती ने भी बच्चे ने दिते, दे भी दिंदे तुसीं, ना भी दिंदे ते कोई मुश्किल नहीं सी हैगी, तो इस करके गल जी पहले की होंगी ना वो अच्छी होंगी। और डॉक्टर साहब ये है इस तरह ही है, बंदे पहले गल सुना के काम करवा जाते हैं, जो फिर मौका आता फिर मुकर जाते हैं वो फिर देखो ना एक बंदा दो बंदा करता वो फिर बंदे का कंसैप्ट बन जाता कि यार बंदे ने गेड़ा ही करवाना है। लेकिन लाजमी नहीं होंगे कि हर बंदा ही इदा का होंगे, लेकिन वो ये ना कि अपना असी अपने आप को आप ही खराब किया ना कि मौके से जाके मुकर जाना जी यार वो अपना एक ही दिता से या दो दते कुत्ती सुई ही नहीं मदीना डॉन अपने एक दोस्त नूं रखवा दी, कहिंदा यार मेरे को जगह नहीं हैगी। उहदे दोस्त ने एक एक करके ना मतलब अज एक मर गया सिड़दा जी दो मर गया सिड़दा, उहने उहनूं कहा कि यार तू इस तरह कर हुण जिद्दण बच्चे मरे ना तू मैनूं फोन करना आ। ये बंदा फैसलाबाद रहिंदा सी जिहदी कुत्ती सी उह झंगदा सी, उहने कहा मैं तैनूं आ के ना देख के फिर सिटणे आ।
ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਆਪਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਲਗਿਆ, ਉਹ 8 ਦੇ 8 ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਵਾਦੇ ਘਾਟੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਾਹੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਛਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇਖਤਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਹੀਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੌਗੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।